बालाघाट जिले में शासकीय कार्यालयों में अनियमितता और कर्मचारी की लापरवाही इन दिनों खुलकर सामने आ रही है। पंचायत से लेकर मुख्यालय में स्थित विभिन्न प्रकार की विभागों में कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यालय में अपनी मर्जी अनुसार बैठते हैं, यानी कार्यालय का कोई समय निश्चित नहीं होता, अधिकारी ही अपना स्वयं का समय निश्चित कर लेते हैं। यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 बालाघाट का कार्यालय यहां देखें तो 11:30 बजे के आसपास कोई भी कर्मचारी यहां पर मौजूद नहीं था, ना ही कोई अधिकारी। ये लापरवाही का आलम लगातार बदस्तूर जारी है और इसके अलावा अन्य विभाग हैं जहां इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। वही इन तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वीरेंद्र जी, आखिरकार क्या मामला सामने आता है? जिस तरीके से हालात देखे जाते हैं, मनमर्जी कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, कभी भी टाइम उनका निश्चित नहीं होता, अपना खुद का वह समय बना लिए। सर, बालाघाट क्षेत्र में अधिकरण है जहाँ पर अधिकारी ही स्वयं समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसका असर उनके कर्मचारियों पर होता है। कर्मचारी जब अधिकारी समय पर नहीं पहुँच पाएंगे तो कर्मचारियों का क्या होगा और ऐसे विभाग का क्या होगा जहाँ पर कर्मचारी ही लेगा? सरकारी व्यवस्था की पोल खुलती हुई भी साफ नजर आती होगी, कितनी नेतृत्व भी, कितनी ईमानदारी से सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो तो सबको सब जानते हैं। अब समय पे ना पहुंचना यानी साफ साफ उनकी लापरवाही देखी जा रहा। जी हाँ सर, यही मामला यहाँ पर बालाघाट में अधिकांश देखने जा रहा है और एक ही दफ्तर नहीं, यहाँ पर 16 दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पर 11 के बाद ही यहाँ पर समस्त कर्मचारी पहुँच पाते हैं। आपने जब निरीक्षण किया वहां पहुंचने के साथ में, समय क्या था, कौन सा कार्यालय था और कितने अधिकारी वहां पर काम करते हैं जो समय पर नदारद थे? सर, ये विभाग जो है ये कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 का है, जहां पर 11:30 बजे का समय था। उस स्थान पर अभी तक कोई कर्मचारी और कोई अधिकारी ना मौजूद रहे और पूरे खाली कुर्सियों के साथ में मैंने इस चीजों का कवरेज किया था और मैंने जब अधिकारियों से बात किया तो अधिकारी फोन पर बताते हुए नजर आए कि उन्होंने बताया मुझे कि मैं किसी फील्ड पर हूँ और जबकि ऐसा कोई फील्ड पर नजर नहीं आया। यानी एक उनकी ही फील्ड होती है लोगों को बेवकूफ बनाने की, लापरवाही करने की, सरकारी व्यवस्था को ठप करने में लगे हुए हैं इस तरीके के अधिकारी और इसी तरीके के कर्मचारी। वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। खबर पर हम लगातार अपडेट बनाते रहेंगे। हालांकि देश तबीफी का सिलसिला कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता।